हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो। और जो केस स्टडी क्वेश्चंस हम लोग लगातार सॉल्व कर रहे हैं, आज उसका नेक्स्ट वीडियो है। और आप कह सकते हैं कि जो सैंपल पेपर में आपका लास्ट क्वेश्चन है केस स्टडी का, चार क्वेश्चन थे तो तीन मैंने ऑलरेडी आपको करा दिया है, तो आज मैं उसका लास्ट क्वेश्चन कराने वाला हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं बोर्ड में क्वेश्चन दिया हुआ है। जो ये क्वेश्चन है ये आपका फोर्थ वाला क्वेश्चन आपका स्टैटिस्टिक्स चैप्टर से लिया गया है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं ये जो क्वेश्चन है ये किससे, मतलब क्या क्वेश्चन है इसमें, और सॉल्यूशन करते हैं फटाफट। तो क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी देखा हुआ है, क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, आपको भी ईजी लगेगा ये क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में, अ स्टॉप वॉच इज यूज टू फाइंड द टाइम दैट इट टुक अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स टू रन 100 मीटर, ठीक है। मतलब यहाँ पर एक डेटा कलेक्ट किया गया है, आप देख रहे हैं टेबल में। ये जो डेटा है ये एक्चुअली क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि 100 मीटर रेस रन करने में कितने स्टूडेंट्स ने कितना टाइम लगाया है ये दिखाया था। जैसे कि फर्स्ट में आप देख रहे हैं 0 टू 20 सेकंड में जो है 8 जने, 20 टू 40 सेकंड में 10 जने, 42 सेकंड में 13 जने, इस तरीके से टेबल दिया हुआ है। 80 टू 100 मतलब 100 सेकंड में 3 जने। तो ये सिनेरियो आपको दे दिया है, 100 मीटर रेस हो रहा था जिसमें इतने इतने स्टूडेंट ने इतने इतने टाइम में जो है कंप्लीट किया है उस रेस को। नाउ देखते हैं कि क्वेश्चंस क्या दिया है इसमें। तो क्वेश्चन ए आप देख रहे हैं, इसमें बोला गया एस्टिमेट द मीन टाइम टेकन बाय स्टूडेंट टू फिनिश द रेस। इस रेस को फिनिश करने के लिए स्टूडेंट्स को जो मीन टाइम लगा है वो आपको फाइंड करने के लिए बोला गया। तो डेटा हम लोग देख लेते हैं, डेटा ये जो टेबल है ये है क्वेश्चन का, ठीक है, ये टेबल है क्वेश्चन का डेटा। अब इसमें ये है आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। अब इसमें से हम लोग को क्या निकालने बोला है, बोला फाइंड द मीन टाइम, तो मीन हमको कैलकुलेट करना है। तो चलिए मीन इसका कैलकुलेट कर लेते हैं। तो पहले ये जो टेबल दिया हुआ है, इस टेबल से हम लोग क्या निकाल लेते हैं, आपको पता है कि क्लास इंटरवल है, आपको इसका मिड वैल्यू निकाल लेना होगा। मिड वैल्यू निकाल के मिड वैल्यू को हम एक्स लिखेंगे, उसके बाद एफ आई एक्स आई हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो ये टेबल मैंने ऑलरेडी बना रखा है, ये रहा आपका क्लास इंटरवल जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये क्लास इंटरवल्स क्वेश्चन में दिए हुए हैं 0 टू 20, 20 टू 40, 40 टू 60, 60 टू 80 एंड 80 टू 100, एंड इसके बगल में जो फ्रीक्वेंसी है 8, 10, 13, 6, 3, ठीक है। तो ये फ्रीक्वेंसी भी दिया हुआ है क्वेश्चन में। उसके बाद ये वाला जो है ये हमने निकाला है, ये हमको निकालना है एक्स आई, हमको क्या करना है ये निकालना है। कैसे निकालना है ये एक्चुअली मिड वैल्यू है। मिड वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय टू। ये जो क्लास इंटरवल है, क्लास इंटरवल के ये वाले लिमिट को बोलते हैं लोअर लिमिट, और ये जो ज़्यादा वैल्यू है इसको बोलते हैं अपर लिमिट। तो हर एक का आप अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय टू करिए तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगा। 0 प्लस 20 डिवाइडेड बाय टू, 0 प्लस 20 होता है 20 डिवाइड बाय टू 10, 20 प्लस 40 60 डिवाइड बाय टू 30। तो इस तरीके से सारा का सारा मिड वैल्यूज जो है कैलकुलेट किया गया है यहाँ पे। एंड उसके बाद हम लोग क्या कर, ये मीड वैल्यूज कैलकुलेट कर लेने के बाद हमको क्या करना होगा, इसके साथ इसका मल्टीप्लाई करना होगा एफ आई एक्स आई। तो देखिए 8 इंटू 10 80, 10 इंटू 30 300, 13 इंटू 50 650, 6 इंटू 70 420, 3 इंटू 90 270, ठीक है, दिख रहा है आपको बोर्ड में। एंड अब इसको हम लोग को टोटल करना होगा, फ्रीक्वेंसी कॉलम को टोटल करेंगे एंड जो एफ आई एक्स आई आया है इस कॉलम को टोटल करेंगे। ये वाला कॉलम को टोटल करना है और एफ आई एक्स आई ये कॉलम को टोटल करना है। तो चलिए टोटल कितना है इसका देख लेते हैं। एफ आई एक्स आई का टोटल है 40, और सॉरी एफ आई का टोटल है 40, यहाँ पे इसका टोटल 40 आया है और एफ आई एक्स आई का टोटल आया है 1720। तो मीन इसका कैलकुलेट कर लेते हैं। मीन का फॉर्मूला क्या है, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई बाय सिग्मा एफ आई, ठीक है। तो फॉर्मूला आपको दिख रहा है ना, सिग्मा एफ आई एक्स आई मतलब टोटल ऑफ एफ आई एक्स आई ये कितना है 1720 डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई ये कितना है 40 है। तो 0 0 कैंसिल कर दीजिए, 4 से डिवाइड हो जा रहा है, 4 4 जै 16 12, 4 3 जै 12, तो 43 इसका मीन है। तो यानी कि ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर बी में देखिए बोला है क्या, राइट व्हाट विल बी द अपर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। तो ये जो टेबल दिया हुआ है इसमें मॉडल क्लास का अपर लिमिट आपको पूछा है, व्हाट विल बी द अपर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। ध्यान दीजिए क्वेश्चन में, मॉडल क्लास का अपर लिमिट आपको पूछा है। तो मॉडल क्लास क्या होगा, द हाइएस्ट फ्रिक्वेंसी क्या है इस टेबल में, जो हाइएस्ट फ्रिक्वेंसी है वो है 13
यानी कि मॉडल क्लास क्या हो गया हमारा, मॉडल क्लास हो जाएगा 4260। तो 4260 स्टूडेंट्स अगर मॉडल क्लास है तो इसका मतलब अपर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास विल बी 60। अगेन द ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो उसके बाद नंबर सी देख लेते हैं, सी में क्या पूछा है। तो ये है सी डी ई, तीनों क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, टोटल 5 सब क्वेश्चन होते हैं जिसमें से 4 आपको सॉल्व करना पड़ेगा एग्जाम में। ठीक है, अभी हम 5 करेंगे, तो 2 हम कर लिए हैं। नंबर सी देखिए, द कंस्ट्रक्शन ऑफ क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल इज यूजफुल इन डिटरमाइनिंग। अच्छा, यहाँ पर बोला है कि क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल हम लोगों को कब यूजफुल होता है, द कंस्ट्रक्शन ऑफ क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल कब यूजफुल होता है, या फिर क्या डिटरमाइन करने के लिए यूजफुल होता है, मीन, मीडियन या फिर मोड। तो ऑब्वियसली क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम मीन के लिए भी नहीं कैलकुलेट करते हैं और मोड के लिए भी कैलकुलेट नहीं करते हैं, लेकिन मीडियन के लिए कैलकुलेट करते हैं। कोई अगर ऑल ऑफ द अबव कर देगा तो रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद बोला था सम ऑफ लोअर लिमिट, क्वेश्चन नंबर डी में बोला है सम ऑफ लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास एंड मॉडल क्लास इज, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास एंड मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास तो हमने ऑलरेडी पता कर लिया इस प्रीवियस क्लास में, मतलब प्रीवियस क्वेश्चन में, तो मॉडल क्लास इसका था 4260, राइट, लिख लो इसको आप मॉडल क्लास। यहां लिखते हैं इसको मॉडल क्लास, यह है 4260। अब मीडियन क्लास हमको पता करना है, तो मीडियन क्लास पता करने के लिए हम लोग क्या पता करना होगा, पहले इसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पता करना होगा। तो ये टेबल को मैंने यहां ले लिया, क्लास इंटरवल और ये फ्रीक्वेंसी। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते स्टूडेंट्स, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम लोग ऐड करते जाएंगे। पहला वाला जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो 8 ही होगा, उसके बाद अगला हम क्या करते जाएंगे, ऐड करते करते जाएंगे। तो देखिए, ये फर्स्ट वाला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मेरा 8 है, उसके बाद 8 के साथ मैंने क्या किया, 8 के साथ ये 10 ऐड कर दिया, तो 8 प्लस 10 18। उसके बाद 18 के साथ जो अगला फ्रीक्वेंसी है उसको ऐड कर दिया है, 18 प्लस 13 31। उसके बाद जो अगला फ्रीक्वेंसी है उसको ऐड कर दिया है 31 के साथ 6 37 37 के साथ 340। ठीक है, देखो 8 प्लस 10 18 18 प्लस 13 31 31 प्लस 6 37 37 प्लस 340। तो लास्ट में जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आया है और जो हमारा फ्रीक्वेंसी का टोटल है, ये अगर हमारा सेम है दैट मीन्स क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने सही कैलकुलेट किया है। तो मीडियन क्लास पता करने के लिए हम पहले क्या निकालेंगे, n बाई 2 निकालेंगे। n मतलब होता है टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी या फिर सी एफ का जो लास्ट वाला होता है। तो 40 बाई 2 कितना आ रहा है, 20 आ रहा है। तो अब ये 20 हमको सी एफ से ढूंढना है, तो सी एफ में 20 नहीं है। सी एफ में अगर 20 नहीं है तो उससे जस्ट जो ग्रेटर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसको कंसिडर करेंगे। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन 20 इज, यहाँ पे 20 से जस्ट ग्रेटर क्या है, 31। तो मीडियन क्लास 4260, या मीडियन क्लास भी सेम वही आया है 4260। तो मॉडल क्लास भी 4260 हो गया और मीडियन क्लास ये भी हो गया 4260। हम लोग क्या पूछा है, लोअर लिमिट का सम पूछा है। तो लोअर लिमिट दोनों में क्या है, 40-40 है, यानी कि अगेन ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन में हम देखने की ज्यादातर ऑप्शन 3 ही राइट आंसर हो रहा है। उसके बाद आखिरी क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स फिनिश द रेस विद इन 1 मिनट, कितने सारे स्टूडेंट्स ने 1 मिनट में रेस को खत्म किया। टेबल में देखिए, टेबल से देख के पता लग जा रहा है कि 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट मतलब 60 सेकंड, ये जो डेटा आपको दिया है टाइम इस सेकंड में दिया है, देखिए इन सेकंड। तो 0 टू 20 सेकंड के अंदर पे 8 जन ने फिनिश किया, 20 टू 40 के अंदर पे 10 जन ने, 40 टू 60 के अंदर पे 13, यानी कि 60 सेकंड के 1 मिनट के अंदर अंदर, मतलब 1 मिनट मतलब 60 सेकंड, तो 60 सेकंड के अंदर अंदर कितने लोगों ने खत्म किया है, 13 प्लस 10 प्लस 8, तो 13 प्लस 10 प्लस 8 ये कितना हो जा रहा है, 31 हो जा रहा है ना। तो अगेन ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो 13 प्लस 8 23, 23 प्लस 8 31, तो ऑप्शन 3 इसमें फिर से ऑप्शन 3 राइट आंसर है। तो केस स्टडी के जितने क्वेश्चन थे वो मैंने ऑलरेडी सॉल्व करा दिया आपको, इजी क्वेश्चन ही थे आपको। मेरे ख्याल से दिक्कत अगर आया होगा तो स्केल फैक्टर में आ सकता है, अदरवाइज सारा क्वेश्चन ईजी थे। तो घबराइए मत, बोर्ड में और भी आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। हाँ, आपका अगर पर्सनली कोई अलग क्वेश्चन में डाउट है, आप मेरे से पूछना चाहते हैं तो ज़रूर पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा फेसबुक
पेज दिया रहेगा, आप उसको फॉलो कीजिएगा और वहाँ पर आप अपना क्वेश्चन जो है पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं उसका एक्सप्लेनेशन आपको ज़रूर दे दूँगा। तो बाय बाय स्टूडेंट्स, अपना ध्यान रखिए।